मुझको छाव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मुझको छाव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो पहला लफ्ज बाप की मोहब्बत से शुरू होता है। मैं अपने नखरे सिर्फ अपने बाबा को दिखाती हूँ क्योंकि उनके सिवा कोई उठा नहीं सकता। बाप की तकलीफ को नजरअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अल्लाह ताला हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं, राज। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ खरीद कर दे सकता है सिवाय नसीब के। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी जिंदगी अपने दिल में बसा रखती है। और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी जिंदगी नहीं भुला पाती। ना गाड़ी, ना बंगला, ना और ना आरजू। ए अल्लाह पाक सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। बाप का हाथ अगर सर पर ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। और ज़माने की आँख कभी तभी पता चलता है। तो बाप का साया बड़ा अहम है। चाहे कितना ही बूढ़ा हो मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं और उसे अपने से दूर मत रखो। अपने वालिद की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वालों की ना सुननी पड़े, इसलिए अपने वालिदैन की गौर से सुनो। बाप की मौजूदगी सूरज की माननी थे। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप की आंख से गिरने वाला एक आंसू आपको तमाम उम्र रुला सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए उनका बादशाह होता है, बादशाह। बाप वो होता है जो सबके सामने जिक्र नहीं करता।